स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज पे हैं, पेज नंबर 75 पे। पेज नंबर 75 में देखिए, फॉर्म्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के कितने फॉर्म्स होते हैं, कैसे होते हैं। आई और वी रहेगा, आई वी के साथ रीड, यू के साथ डू नॉट रीड, दे के साथ डोंट रीड, ही के साथ रीड्स, शी के साथ डज नॉट रीड, इट के साथ डज नॉट रीड। ये हो गया इसके फॉर्म्स। अब अगर क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनाने हमें, तो हम डू के साथ में यूज़ करेंगे आई वी, डू के साथ यू, डू के साथ दे, और यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा, वर्ब होगा, वो रीड ही रहेगा। डज ही रीड, डज शी रीड, डज इट रीड, इस तरह से। ऊपर वाले में डू आई रीड, डू वी रीड, डू यू रीड, डू दे रीड, तो ये फॉर्मिंग हो जाती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, आपका है एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए जो है वो आपको पीडीएफ थ्रू मिल जाएगा स्टूडेंट्स, या फिर आप नंबरिंग्स कर सकते हैं 2, 4, 5, 1, 3। ये हो गया इसके आंसर्स। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज बी है, योर मदर इज स्पेशल टू यू, हाउ वेल यू डू नो, हर लाइक्स एंड डिसलाइक कैन बी इक्विवेलेंट ओनली इफ यू राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन क्लूज। अब आप अपनी मदर को कितना चाहते हैं, कितना आप मम्मी को पसंद करते हैं या कितना मम्मी को नापसंद करते हैं, कितना मम्मी आपके लिए कितनी अहमियत रखती है, इसके ऊपर ये सेंटेंस दिए हैं। अब इस सेंटेंस के अनुसार आपको माई मदर जैसा एक शॉर्ट ऐसे लिखना है, तो ये सेंटेंसेस को, ये वर्ड्स को आप उसमें इंक्लूड करेंगे। फिर एक्सरसाइज सी है आपकी, एक्सरसाइज सी भी आपकी मैचिंग है। मैचिंग में भी आपको नंबर डालना है तो डाल सकते हैं 2, 3, 1, 5, 4। एंड एक्सरसाइज डी, एक्सरसाइज डी में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद डू नॉट, डज नॉट, डू, डज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पहले वाले में आ जाएगा आपका डज नॉट, दूसरे में डज, तीसरे में डज, फोर्थ वाले में डू एंड फिफ्थ वाले में डू नॉट। ये आपका पेज ओवर हो गया, यानी आपकी एक्सरसाइज डी तक कंप्लीट।